My name is Ritu Ratewal, and in this video you are going to study about NCRT's plus 2 ki NCRT ka chapter human reproduction, and in human reproduction specifically we are going to study about menstrual cycle. Menstrual cycle mein bahut sare bachchon ko bahut sari dikkat hoti hai, male students ko female students se bhi zyada dikkat hoti hai ki ma'am ye ho kya raha hai, ye hota kya hai, ye hota kab hai. ठीक है, सो आज सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे और साथ साथ में एनसीईआरटी लेके आई हूँ मैं, तो एनसीईआरटी का रिव्यू करेंगे. रिव्यू का मतलब साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. दिस चैनल इज स्पेसिफिकली फॉर नीट स्टूडेंट्स. जो भी नीट एस्पिरेंट है वो इस चैनल को अभी लाइक कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि और बेल आइकन प्रेस कर देगा, सो दैट हमारी सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे. उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर नोटिफिकेशन आपको वैसे नहीं आ रही तो इस पे आ जाएगी आपको नोटिफिकेशन. साथ में जो भी टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को जो भी बातें कन्वे करनी होती है तो हम वहीं पर ही कन्वे करते हैं टेलीग्राम के चैनल पर. देन बिकॉज द प्रेशर इज राइजिंग ऑन यू पीपल एज द एग्ज़ाम इज कमिंग नियर, so I am giving you some information about something that can help you right now. It's an online teaching platform called Unacademy Plus platform. Unacademy Plus platform is another teaching platform where I will be covering my whole syllabus, zoology plus botany. Okay, then not just me, वहाँ पे इंडिया के 40 बेहतरीन टीचर्स इस वक्त पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी. ना सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं, वो अपनी हर दो तीन क्लासेस के बाद एक क्विज रखते हैं. सो यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, सो दैट जो भी आप पढ़ते हैं वो आप क्वेश्चंस में कर पा रहे हैं नहीं, ये आप देख लेंगे. साथ में ही हर संडे वहाँ पे क्विज रहता है, प्लस वन के बच्चों के लिए अलग, प्लस टू के लिए अलग, ड्रॉपर्स के लिए अलग. सो नॉट क्विज, क्विज तो इसके लिए छोटा टर्म हो गया, इट्स अ टेस्ट सीरीज. सो एवरी संडे यू गेट अ मॉक टेस्ट फॉर 720 मार्क्स. 720 मार्क्स के टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी वीडियोस में बार बार आप लोगों को बताती रहती हूँ. बिकॉज अगर आप 3 घंटे में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपको कभी आदत नहीं पड़ेगी ये चीज़ करने की. और नीट की हमारी तैयारी इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते हैं. सो अनअकैडमी प्लस इज गिविंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर. ओके, इट्स गिविंग यू टीचर्स, इट्स गिविंग यू क्विजेज, इट्स गिविंग यू टेस्ट सीरीज, मेरा पूरा सिलेबस, एंड आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग अ क्रैश कोर्स फ्रॉम 30th November ऑन अनअकैडमी प्लस. सो 30 November से मैं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगी, इन विच आई बी कंप्लीटिंग बोथ माई जुअलॉजी एंड बॉटनी पोर्शंस अलॉन्ग विद द नोट्स आई विल गिव यू, प्लस आई विल मेक यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. तो ये जो क्रैश कोर्स है ये सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होगा, लर्न करने के लिए होगा. मैं आपको सब कुछ लर्न कराऊंगी जो भी एनसीईआरटी में है, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. नीट का 50% सिलेबस बायोलॉजी है, तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो. बायोलॉजी मैं आपकी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराऊंगी. फॉर ऑल दिस, अभी क्योंकि नीट में सिर्फ 5 महीने का ही समय रह गया, 5-5.5 महीने का, सो यू हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 6 मंथ्स फॉर अनअकैडमी प्लस. जो बच्चे प्लस वन में हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, सो दे शुड टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 year or 2 years. हाउ टू टेक इट, लेट मी टेल यू. यू गो टू अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यू इंस्टॉल द ऐप. आप नीचे जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्लस, यू क्लिक ऑन प्लस. देन आप जाएंगे नीट एंड एम्स के ऑप्शन पे, देन आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे. अब यहाँ पे आपको ऐसे टाइम पूछा जाएगा कितनी देर का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए. तो 2020 नीट देने वाले बच्चे 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, और 2021 का नीट देने वाले बच्चे 1 year या 2 year का सब्सक्रिप्शन लेंगे. बेटा इसके कम नहीं लेंगे, क्योंकि यू नीड लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर राइट नाउ. 6 मंथ्स की फीस 24,000 रुपीज़ है, जो अभी जिन्होंने अभी पेपर देना है, और 1 मंथ के 1 year की फीस 30,000 रुपीज़ है. नाउ 24,000 and 30,000 आर नॉट वेरी बिग अमाउंट्स एज सच, बट इसको भी वी कैन रिड्यूस इट बाई 10%, 10% और रिड्यूस हम इनको कर सकते हैं. कैसे? सपोज यू क्लिक ऑन 1 year और यू क्लिक एनी वेयर, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ 1 year. यू क्लिक, यू सी दैट इट्स कमिंग 30,000 हियर, राइट हियर. नाउ आप इस पर पे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे नहीं जाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे एक स्पेस, खाली स्पेस होगा, आप ये कोड डालेंगे वहां पे. यू विल पुट ऋतु लाइव एज अ कोड विच विल इमीजिएटली गिव यू 10% ऑफ. इमीजिएटली यू विल सी दैट 30,000 का 27,000 हो गया है,
And by using these codes, you can get my notes. And by using this code, you will get a seat in my crash course. Everything you get if I receive this code. Okay, so code dalna nahi bhulenge. Now the course which was for 30,000, you will get it for 27,000, and the course which is for 24,000, jo 6 mahine wala course hai, now you will get it for 21,600. Everything aapki preparation ki puri zimmedariyan academy plus leta hai. Sirf 21,500 rupaye mein aap India ke best teachers ke sath padh pate hain. Chaliye aaj ka session shuru karte hain. Hello, hi kar lijiye sabhi bachchon se. हाँ भाई बच्चों, वेलकम टू द सेशन. आई होप आज के सेशन से आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे प्यारे बच्चों. चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं. आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू नो लॉट ऑफ थिंग्स. देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ मैमल्स की निशानी है, ये पूरे वर्टिब्रेट्स में नहीं होता. पहली बात तो मैमेलिया एक क्लास है ना, वहाँ पर होता है. मैमेलिया में भी एक स्पेशल ग्रुप है जिसको बोलते हैं प्राइमेट्स, जिसमें एप्स आते हैं, मंकीज आते हैं और ह्यूमंस आते हैं. सो प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो गाय भैंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता. दे अंडरगो समथिंग कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल. सो पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किसको है. मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, मैमेलिया, मेमेलिया क्लास में यू हैव अ ग्रुप कॉल्ड प्राइमेटा. प्राइमेटा ग्रुप की फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. मेल्स में कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करके आएंगे, ठीक है? बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल्स में नहीं होता, इसलिए बहुत सारे मेल्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके. बट होपफुली इस वीडियो के पूरा होते होते तक मैं वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो प्राइमेट्स में अभी कौन आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं मंकीज, प्राइमेट्स में आते हैं एप्स, एप्स में आता है चिंपैंजी, गोरिल्ला, देन यहाँ पे आता है ह्यूमन, ठीक है? इन सब में होता है. सो मैमेलिया का एक ग्रुप है जो बाकी बचे हुए ग्रुप है, जो पूरा बाकी मैमेलिया, उनमें देयर इज समथिंग कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है? चाहे ईस्ट्रस साइकिल हो चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, बेसिकली ये रेफर करते हैं साइक्लिक चेंजेस इन द यूट्रस एंड द ओवरीज ऑफ द फीमेल्स. बेसिकली फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, हर महीने कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. वो चेंजेस ओवरी के अंदर भी आएंगे, वो चेंजेस यूट्रस के अंदर भी आएंगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, हर महीने वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है? देर इज सम ब्लड विच कम्स आउट ऑफ द वेजाइना. सो जिनके अंदर, जिन फीमेल्स में ये साइकिल चलता है दैट सम ब्लड कम्स आउट ऑफ द वेजाइना, उनको बोलते हैं कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का शिकार है, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है. और एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, चेंजेस तो आते हैं बट देर इज नो ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं आती. यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं, ओवरी में भी चेंजेस आते हैं, बट ब्लीडिंग नहीं होती. जैसे कि डॉग्स, कैट्स, कैटल, बफलो, ठीक है जी? अभी तुम कहोगे कि मैम डॉग्स में तो हमने देखा है देर इज सम काइंड ऑफ ब्लीडिंग, बट दैट इज नॉट दैट. जो डॉग्स में आप ब्लीडिंग देखते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है? आपको ये वाली बात पता चल गई. अब मैं आगे बात बताती हूँ, ये वाली बात नोट करेंगे प्लीज. व्हाट इज प्राइमेटा एंड नॉन प्राइमेटा? चिंतन सत्य की बेटा, अभी इतना याद कर लेंगे कि जो प्राइमेट होते हैं उसमें मंकीज, एप्स और ह्यूमंस आते हैं, और बाकी जितने मैमल्स बचे वो नॉन प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है? ओके, अंकित सिंह, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता ये कि इट्स कंप्लीटली नेचुरल एंड नॉर्मल, जस्ट कहने का तरीका है, सिर्फ बात करने का तरीका है. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है. ह्यूमन फीमेल की बात लेते हैं, ठीक है? सो आओ, दिस इज अ ह्यूमन फीमेल. ये जब कुक की बचपन में थी तब की बात है. सो दिस इज अ ह्यूमन फीमेल.
Now, when she is around 13 years of age, जब ये बच्ची 13 साल की होगी तो हम कहेंगे कि प्यूबर्टी हिट करती है, अराउंड 12 to 13 years ऑफ एज पे प्यूबर्टी हिट करती है ना, प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी हिट करने का मतलब क्या होता है, फीमेल के हाइपोथैलेमस से बहुत सारा GnRH रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड होता है ब्रेन में, है ना। तो इस बच्ची के ब्रेन के अंदर साइट ऑफ इसके सेरिब्रम के अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड है विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। नाउ इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है विच इज कॉल्ड GnRH। ओके, GnRH का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH हाइपोथैलेमस से जाके हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उस पर एक्ट करता है। सो इसके जस्ट नीचे देयर इज समथिंग कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस GnRH गोज एंड एक्ट्स ऑन दिस पिट्यूटरी। ये जब प्यूबर्टी हिट करती है तभी की बात है, उससे पहले की बात नहीं है, ठीक है। नाउ पिट्यूटरी जैसे ही GnRH से हिट होती है, पिट्यूटरी अपने कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती है विच इज कॉल्ड LH एंड FSH। ये दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, स्पेलिंग चेक कर लेंगे प्लीज, मेरी स्पेलिंग्स में थोड़ा हार्ड टाइट है बच्चों। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये बच्ची को ये पता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। LH और FSH पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और ये जाके कहाँ एक्ट करते हैं पता है, इस बच्ची की ओवरीज में जाके एक्ट करते हैं। सो इफ आई मेक इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे, लेट मी मेक इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे, ओके। सो सपोज नाउ दिस फीमेल इज लाइक दिस, ओके। नाउ हर ओवरीज आर समवेयर हियर, राइट। नाउ दिस LH एंड FSH इट विल गो एंड एक्ट ऑन हर ओवरीज। एंड ओवरी के अंदर मैंने तुमको क्या सिखाया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ओवरी के अंदर देर आर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। अगर ओवरी का इनलार्ज पोर्शन में यहाँ पे बनाऊँ तो सपोज दिस इज एन ओवरी, ओवरी के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे विच आर कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये LH और FSH जाके पिट्यूटरी से ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये LH एंड दिस FSH बोथ ऑफ द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स दे गो एंड स्टार्ट टू हिट दिस फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, एंड दिस ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट्स टू ग्रो, ओके। नॉट ऑल ऑफ देम, हर महीने एक ओवरी से एक फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप होगी, एक महीने में इस वाली ओवरी से, एक महीने में इस वाली ओवरी से, फिर नेक्स्ट मंथ में इस वाली से, फिर नेक्स्ट मंथ में इस वाली से। सो ऑल ऑफ द फॉलिकल्स विल नॉट स्टार्ट टू डेवलप। नाउ वी हैव स्टडीड कि जब तक बच्ची प्यूबर्टी में पहुंचती है हर ओवरी में कितनी फॉलिकल्स बची होती हैं, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। वी फाइंड 60 to 80,000 फॉलिकल्स पर ओवरी, राइट। अब ये FSH LH उनमें से कुछ फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा। फॉलिकल के अंदर पड़ा हुआ हीरे मोती की तरह क्या है, देयर इज अ ब्यूटिफुल थिंग इनसाइड एवरी फॉलिकल, दिस रेड कलर, इट इज एन अनडेवलप्ड एग, इट इज एन अनडेवलप्ड एग, अनडेवलप्ड एग। सो LH FSH जो हिट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को, उसका मेन पर्पज ये होता है दैट दिस फॉलिकल शुड डेवलप। एज दिस फॉलिकल शुड डेवलप द एग इनसाइड, द इमेच्योर एग शुड बिकम मेच्योर, एंड वन एग विल गेट मेच्योर एवरी मंथ, हर मंथ एक एग मेच्योर होगा और ये एग यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये एग यहाँ से रिलीज हुआ, जैसे ही ओवरी से बाहर निकला, हु विल कैप्चर इट, यहाँ पे कौन होता है, फलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे ऐसे करके फलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे यूट्रस होता है ना। सो दिस फलोपियन ट्यूब विल कैप्चर दिस एग एंड नाउ दिस गर्ल कैन बिकम प्रेग्नेंट,
चाहे एक 13 साल की बच्ची है, बट नाउ हर बॉडी, ऑल्दो इट इज़ नॉट फुली डेवलप्ड टू हैव अ बेबी, है ना, 13 साल की बच्ची फुली डेवलप्ड नहीं है बेबी को रिसीव करने के लिए, बट बायोलॉजिकली नाउ शी कैन बिकम अ मदर. ओके, इफ दिस एग नाउ गेट्स फर्टिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्पर्म, अगर एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो गई तो ये बच्ची मदर बन सकती है, इस बच्ची को प्रेगनेंसी हो सकती है. ओके, इसका मतलब होता है कि प्यूबर्टी हिट कर गई. प्यूबर्टी हिट करने का सिंपल मीनिंग ये होता है दैट नाउ दिस पर्टिकुलर फीमेल कैन हैव बेबीज. ऑल्दो इंडिया में शादी की लीगल एज 18 है, बिकॉज उससे पहले फीमेल की बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती टू हाउस अ बेबी. ओके, नाउ दिस इज व्हाट प्यूबर्टी इज. एक चीज़ तो तुम्हें ये समझ में आई है. दूसरी चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि एवरी मंथ देर आर सम हार्मोनल चेंजेस. एवरी मंथ LHFSH के लेवल में कुछ चेंज होगा. अब ये फॉलिकल्स के ऊपर जब ये हिट करती है ना LHFSH, तो एक्चुअली ये फॉलिकल्स दो काम करती हैं. एक तो फॉलिकल ग्रो करती है, उसके अंदर एग को मैच्योर करती है. दूसरा काम जो वो करती है, दे रिलीज लॉट ऑफ हार्मोन्स. दे रिलीज लॉट ऑफ हार्मोन्स इन द ब्लड. फॉलिकल, द डेवलपिंग फॉलिकल, इट रिलीज लॉट ऑफ हार्मोन्स इन द ब्लड कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. ओके, एस्ट्रोजन, मैं ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, चिंता मत करो, अभी सिर्फ तुमको ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ मैं. ये सब आई विल राइट इट इन डिटेल. नाउ ये फॉलिकल जब पिट्यूटरी से निकल के LHFSH ओवरी पे वो कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ओवरी की फॉलिकल्स को. नाउ फॉलिकल इन रिटर्न विल स्टिमुलेट, विल रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. ये तभी रिलीज होंगे जब फॉलिकल स्टिमुलेट होगी. फॉलिकल स्टिमुलेट कब होगी, जब LHFSH रिलीज होगा. LHFSH कब रिलीज होगा, जब हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा. GnRH कब रिलीज करेगा, जब प्यूबर्टी हिट करेगी. दैट मींस ये एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्ट्रॉन नए हॉर्मोन्स हैं अभी इस बच्ची के लिए, पहले नहीं रिलीज होते थे. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का बॉडी पे बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है. व्हाट चेंजेस डू यू सी इन अ फीमेल व्हेन शी इज अराउंड 13 ईयर्स ऑफ एज. यू सी वन ग्रोथ ऑफ हाइट, एकदम से पहले थोड़ी सी ग्रोथ ऑफ हाइट होती है, बिकॉज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन बोथ आर देयर एनाबॉलिक हॉर्मोन्स. ठीक है, मसल और बोन ग्रोथ पे इसका अच्छा असर होता है, तो एक तो हाइट ग्रो होती है. दूसरी बात, यू विल स्टार्ट टू सी द चेंजेस इन दिस फीमेल, लाइक इसकी आवाज़ पतली हो जाएगी. ठीक है, शी विल हैव अ हाई पिच्ड साउंड. देन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट्स, बिकॉज एस्ट्रोजन बॉडी को प्रिपेयर करता है मदर बनने के लिए. ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट आपको देखने को मिलेगी भाई, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ बेबी. देन ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स, सो दैट द बॉडी कैन एकोमोडेट द बेबी. सो ऐसे कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसे कहते हैं प्यूबर्टी. ओके, नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है इस चीज में, प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग समझेंगे. यू फर्स्ट टेल मी इफ यू अंडरस्टैंड दिस. सुभदीप नाथ, ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन यहाँ से कैसे आया? नेगेटिव फीडबैक होगा शारदा, पॉजिटिव फीडबैक क्यों होगा? आगे चलूं? ओके, अब मैं, इफ यू आर क्लियर विद दिस, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, चलें? एक बार फिर से क्लियर कर दूं बेटा जी? ओके, मैं क्लियर कर रही हूं, एक मिनट रुक जाइए. व्हेन एस्ट्रोजन विल फॉर्म, अंकित सिंह, और प्यूबर्टी के टाइम बेटा, 13 इयर्स की एज में. ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अभी तक मैंने क्या बताया है, एक बच्ची जब 13 इयर्स की एज में होगी तो उसका हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा एक हार्मोन रिलीज करने लगेगा कॉल्ड GnRH. वो GnRH उसके पिट्यूटरी में हिट करेगा. पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, LHFSH. LHFSH कहाँ जाएगा, बच्ची की ओवरी पे. ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है ओवेरियन फॉलिकल, उस पे हिट करेगा. ओवेरियन फॉलिकल स्टिमुलेट होंगी. ओवेरियन फॉलिकल स्टिमुलेट होंगी तो दो हार्मोन रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन. ठीक है, इतनी बात समझ में आई है. और जब ये फॉलिकल कंप्लीटली ग्रो हो जाएगी तो यहाँ से एक एग रिलीज हो जाएगा, एंड दैट एग विल बी कैप्चर्ड बाय फैलोपियन ट्यूब. अब इसको और डिटेल में बताती हूँ, वट एवर आई हैव टोल्ड आई एम गोइंग टू टेल यू इन मोर डिटेल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर मैं बात करूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं डेफिनेशन कैसे लिख सकती हूं, दीज आर द साइक्लिक चेंजेस
in the female body. Per month एक फीमेल की बॉडी में जो साइक्लिक चेंजेस होंगे उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. ठीक है, साइक्लिक चेंजेस क्या होंगे मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ. हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा पर मंथ, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा, वही चीज लिख रही हूँ सेम, थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ. ठीक है, ये जाके पिट्यूटरी से एलएचएफएसएच रिलीज कराएगा. एलएचएफएसएच विल गो ऑन ओवरी, ओवरी पे हिट करेंगे, ओवरी से क्या रिलीज कराएंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. ये वाली बात समझ में आई है? नाउ दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विल गो इन द कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी पे जाएंगे, बॉडी पे ऐड करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, बट मेनली एक जगह पे जाएंगे. देखो कहां पे, इधर देखो, कम हियर, कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दिस इज यूट्रस, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वजाइना, ओके, दिस इज ओवरी. नाउ ओवरी इज रिलीजिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच इज गोइंग, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स हैं, दे विल गो इन ब्लड. ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यहां से रिलीज होगा ओवरी से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड इट विल गो इन ब्लड बिकॉज दे आर हॉर्मोन्स, दे विल गो इन ब्लड एंड दे विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑल्सो दीज हॉर्मोन्स विल गो टू यूट्रस, ये हॉर्मोन्स ऐसे करके ब्लड वेसल के थ्रू यूट्रस में जाएंगे और यूट्रस की एंडोमेट्रियम को चेंज करेंगे. ओके, यूट्रस की मैं तुम्हें लाइनिंग बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ. यूट्रस की आउटर लाइनिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, है ना. फिर यूट्रस के अंदर एक यहाँ पे मस्कुलर लाइनिंग होती है, इट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम. ठीक है, देन लास्ट में सबसे अंदर एक लाइनिंग होती है जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. दिस कॉल्ड एंडोमेट्रियम, ये वाली दिस इज मायोमेट्रियम, उसके बाहर वाली पेरीमेट्रियम, ये जो ब्लू वाली है दिस इज पेरीमेट्रियम. तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ना, ये पूरी बॉडी में जाने के साथ साथ इस लाइनिंग को हिट करेंगे, देखो एंडोमेट्रियम को हिट करेंगे, दे विल गो एंड हिट द एंडोमेट्रियम एंड दे विल कॉज चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो बेसिकली यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हर महीने हॉर्मोनल चेंज आना और उसकी वजह से बॉडी में चेंज आना, हर महीने जीएनआरएच रिलीज होना, वहां से एलएचएफएसएच रिलीज होना पिट्यूटरी से, फिर ओवरीज पे एक्ट करना, फिर ओवरीज से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना, प्लस ओवरी में वो फॉलिकल भी डेवलप होएगी. ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे एक्ट करना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है. समझ में आया? प्लीज टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड. कोई क्वेश्चन है तो बोलिए. सॉन्ग स्पेशलाइज्ड बेटा, ये मैंने एक ओवरी की बात बताई है, बट दोनों ओवरीज में वही चीज हो रही है, मंथ मंथ के हिसाब से, एक मंथ में ये इस ओवरी में हो रहा है, एक मंथ में इस ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं. ओके, ओके, नाउ अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. Now we will study this in more detail. Have you written this down? आगे चलो. Now, please see. First menstrual cycle जब शुरू होता है, first menstruation, ये कुछ words आपको पता होने चाहिए, ये NEET के लिए बहुत important है और boards के लिए भी बहुत important है. पहली बार जब female की body में changes आते हैं, first menstruation क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन अराउंड 13 इयर्स की एज पे होता है, 12 टू 13 लिख सकते हैं आप,
ठीक है, लेकिन यदि आपको कोई नंबर ना दिया हो तो आप 13 ईयर्स मानते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम कहते हैं मीन आर्क। तो आपको मीन आर्क, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मीन आर्क क्या है या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं मीन आर्क। दिस देन फीमेल्स में ना एक अजीब बात होती है कि पूरे जिंदगी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता रहता, ठीक है। अभी तुमको पूरा समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा, बट यू हैव टू फॉलो मी थ्रू द लेक्चर, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नाउ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इट रिपीट्स एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ। ओके, नाउ दिस विल नॉट गो ऑन। अगर फीमेल 70 साल की हो जाएगी तो ये नहीं है कि 70 साल तक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा, इट हैज टू स्टॉप। एक समय पे फीमेल की बेबीज पैदा करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं मेनोपॉज, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज की एज कितनी बताई जाती है? 50 इयर्स के राउंड। हालांकि अब ये बहुत वेरिड हो चुका है, इतना स्ट्रेस, इतना पोल्यूशन, खाना पीना अच्छा ना होने की वजह से कुछ फीमेल्स में अब 40 इयर्स में ही मेनोपॉज हो जाता है या 35 इयर्स में ही मेनोपॉज हो जाता है, मतलब उसके बाद वो मम्मी नहीं बन सकती। तो आजकल डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं, दैट यू शुड हैव योर किड्स इन योर 25 से 30 के बीच में अपने किड्स कर लीजिए, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कि आपकी मेंस्ट्रुएशन कब बंद हो जाए। बट इन जनरल नॉर्मल केसेस में, जो देयर वर नॉर्मल केसेस, तो उसमें 50 इयर्स के अराउंड ये स्टॉप होती है एंड इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, सो होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्जैक्टली, नाउ वील ड्रॉ अ चार्ट एंड वी विल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लें एक बार। ये वेरिड होता है बेटा, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए तो 13 को हम मीनार्क लेंगे। मान लो आपको कोई चीज कैलकुलेट करनी है तो 13 को मीनार्क लेंगे और इसको 50 को मेनोपॉज लेंगे। वेरिड होता है, बहुत सारी विमेन में 60 तक भी चलता है। ओके, सो इट इज वेरी वेरिड। नाउ एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। पहली बात तो किस में होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का और आपके बोर्ड एग्जाम्स का। फीमेल प्राइमेट्स में होता है, फीमेल मैमल्स में नहीं होता, क्योंकि मैमल्स में एक नॉन प्राइमेटा ग्रुप है जिसमें नहीं होता। फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनार्क। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज इंटरवेल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। एक साइकिल 28 to 29 डेज का होता है। बहुत सारे मेल्स को ये लगता है कि आज महीने की फर्स्ट डेट है तो मेंस्ट्रुएशन का भी फर्स्ट डे होगा, ऐसा नहीं होता है। वन मंथ कैलकुलेट किया जाता है जिस भी डेट से मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो को कहते हैं, ब्लड फ्लो आउट ऑफ द वजाइना को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, तो आज मान लो कितने देर, आज व्हाट इज द डेट टुडे, टुडे इज, व्हाट इज द डेट, टुडे इज 19th नवंबर। ओके, नाउ 19th नवंबर को एक फीमेल को, मान लो कुकी ही है हमारी फीमेल, एक कुकी को 19th नवंबर को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है। आज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब यह है कि नाउ कुकी इज एक्सपीरियंसिंग ब्लड फ्लो आउट ऑफ हर वजाइना। ओके, दिस इज द यूट्रस, दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द वजाइना, एंड नाउ देयर इज लॉट ऑफ ब्लड फ्लो आउट ऑफ द वजाइना, लॉट ऑफ ब्लड। ओके, लॉट ऑफ ब्लड इज कमिंग आउट। सो ऐसा हर फीमेल के साथ अराउंड 3 to 5 दिन के लिए होता है, जब वजाइना के थ्रू देर इज लॉट ऑफ ब्लड आउटफ्लो। द फर्स्ट डे ऑफ दिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, दिस कॉल्ड ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन, वीपिंग ऑफ द वूम्ब, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग is first day of menstruation। इतनी बात पता चल गई। ये कभी भी हो सकता है,
जैसे 19th नवंबर को सपोज कुकी को फर्स्ट ब्लीडिंग शुरू हो रही है, तो मतलब ये मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन है, ठीक है। ये ब्लीडिंग कब तक चलेगी? 3 से 5 दिन के अंदर, तो हम उस फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कह देते हैं या मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी फर्स्ट दिन है वो, जब मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट दिन है, फिर उसके आगे से पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैलकुलेट होता है। इतनी बात पता चल गई, आगे देखते हैं। और ये पूरा साइकिल 28 to 29 डेज का होता है, जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना बेटा, उसमें बड़े सारे फेजेस हैं, ठीक है। तो उसमें से एक फेज है मेंस्ट्रुएशन, ये जो ब्लीडिंग का फेज है ये तो एक छोटा सा फेज है, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारा फेज है। तो ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, जिसमें एक छोटा सा 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन का फेज है, इस पूरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये पूरा टोटल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 to 29 डेज का होता है। हालांकि ये भी बहुत वेरिड होता है, बहुत वेरिड। कुछ फीमेल्स में 35 डेज का भी साइकिल होता है, कुछ फीमेल में 21 डेज का भी साइकिल होता है। सो इट्स वेरी वेरिड, बट फॉर अ नॉर्मल फीमेल 28 to 29 डेज का साइकिल रहता है, ठीक है। हालांकि किसी का 35 का तो एबनॉर्मल फीमेल नहीं है, बट मोस्टली फीमेल्स का ये साइकिल रहता है। नाउ एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? दीज आर द साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन। पहली ब्लीडिंग का जो पहला दिन होता है, उससे अगली ब्लीडिंग का जो पहला दिन है, उसके बीच में जो गैप है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ दिस साइकिल। वन ओवम कब रिलीज होता है ये मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगी। इतनी बात क्लियर है? आगे चलूं? बोलिए बेटा, सब कुछ समझ में आएगा? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, सब कुछ समझ में आएगा। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू गिव इट अ चांस, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा रही हूं क्या होता है। चले लेट्स गो। आई नीड सम स्पेस। ये लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा है नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये डिलीट कर रही हूँ बेटा, मुझे थोड़ा जगह चाहिए। एंड आई नीड वन मोर पेज। सो दिस ऑल्सो आई होप यू हैव डन। सो आई एम गोइंग टू डिलीट इट। अब देखेंगे ध्यान से, सबको सब कुछ समझ में आएगा, डरो मत। आज कुकी का मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन है, ठीक है, 19th नवंबर को। तो आज से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है, तो आज से हम उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है, ये लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज स्टार्टेड फ्रॉम, इसे यहां से लिख लेते हैं, हियर, ओके। एंड दे इट हैज़ डिफरेंट फेजेस, तो उसके नाम हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आज डे वन है, यहाँ लिख दूँ, दो मिनट पहले मैं पूरा ही बना लेती हूँ इसको। ये मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ पे एक और लाइन आएगी यहाँ पे, देन यहां पे। नाउ आई थिंक वी आर डन। ओके, सो दिस इज द डे वन। डे वन कौन सा है? अभी हम डेट्स के हिसाब से काउंट करेंगे बेटा, ठीक है। ये क्लियर है? दिस इज क्लियर। 19th नवंबर है ये, दिस इज 19th नवंबर, दिस इज 19th नवंबर। कुकी को फर्स्ट दिन की ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो यहां पे सबसे नीचे मैं यूट्रस की हालत बता रही हूं बेटा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की बात करेंगे सबसे नीचे यहां पे। तो यूट्रस की जो ब्लीडिंग आती है, बेसिकली वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूटने से आती है। देखो ब्लीडिंग कैसे आती है, इधर देखो, बेसिकली ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है? ये पेरीमीट्रियम है बाहर वाला, दिस इज पेरीमीट्रियम, दिस इज मायोमीट्रियम, है ना, दिस इज मायोमीट्रियम। नाउ दिस इज एंडोमीट्रियम,
this endometrium is there. Lot of blood vessels, lot of connective tissue, है ना, this is endometrium. कुकी का endometrium break हो रहा है, this is endometrium. कुकी का एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रहा है, यहां से टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. एंड दिस एंडोमेट्रियम अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स एंड एवरीथिंग, ब्लड वेसल्स एवरीथिंग, इट इज कमिंग आउट हियर आउट ऑफ द वजाइना, दिस इज द वजाइना. ठीक है, सो बेसिकली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है एंडोमेट्रियम के ब्रेक डाउन से, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो यहां से एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन शुरू हो रही है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूं कहां गई मेरी एनसीआरटी? हां जी, क्या मैं इसको लिख सकती हूं मेंस्ट्रुएशन? आई कैन राइट मेंस्ट्रुएशन फॉर दिस, मेंस्ट्रुएशन विच विल गो ऑन फॉर 3 to 5 days. ओके, तो 3 से 5 दिन कैलकुलेट कर लो, 5 days कैलकुलेट करो. 19 को शुरू हुए, 19, 20, 21, 22, 23, तो मतलब 23 नवंबर तक कुकी को मेंस्ट्रुएशन रहेगा. तो यहां पे मैं लिख रही हूं 23 नवंबर, दिस आई एम राइटिंग यहां पे 23 नवंबर. ठीक है, 5 दिन लगा लो यहां से 23 नवंबर पे. अच्छा, यहां पे पूरा ब्रेकडाउन हो रहा था, ऐसे कतलेआम चला हुआ था, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन हो रही है, यहाँ पे यूट्रस के एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन हो रही है. अब यहाँ पे 23 नवंबर को आके ये ब्रेकडाउन होनी बंद हो गई. ठीक है, बहुत खुशी की बात है. अब देखो क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है. हमें यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले कि पूरे साइकिल में पिट्यूटरी से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, LH और FSH, उनका लेवल क्या रहता है, बढ़ता घटता क्या रहता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें बना रही हूँ, आई एम राइटिंग हियर FSH एंड आई एम राइटिंग LH. पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का लेवल हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स. ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन जाके किसको अफेक्ट करेगा, फॉलिकल को अफेक्ट करेगा, है ना. पिट्यूटरी कहाँ जाता है, ओवरी में जाता है ना, तो ओवरी में फॉलिकल को छेड़ता है वो जाके. तो यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल की सिचुएशन क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये जाके इसको हिट करेंगी, ओवेरियन फॉलिकल. ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. तो मैं उसके बाद ये लिखना चाहती हूँ, ओवेरियन फॉलिकल से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किसको अफेक्ट करता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को अफेक्ट करता है. तो ये सभी सिचुएशंस मुझको पता होनी चाहिए चारों की क्या चली हुई है. ठीक है जी, अब देखो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, कुकी का यूट्रस रो रहा है, कुकी का यूट्रस वीप कर रहा है. ठीक है, वीपिंग ऑफ द यूट्रस बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन को. ठीक है, पूरी बॉडी को बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यूट्रस वीप कर रहा है तो करता रहे, मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, LH और FSH का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में इस टाइम पे, जब यूट्रस कतलेआम हो रहा है तब कुकी के पिट्यूटरी में LH और FSH का लेवल बढ़ रहा है. ठीक है, तो LH और FSH का लेवल मैं यहां से बढ़ा लेती हूं. अब इसका रीजन है, LH और FSH का लेवल क्यों बढ़ रहा है, FSH इज गोइंग लाइक दिस एंड LH इज गोइंग लाइक दिस. LH को किसी और कलर में बना लेते हैं, से ब्लैक. LH इज इंक्रीजिंग, FSH इज आल्सो इंक्रीजिंग, बोथ ऑफ देम आर इंक्रीजिंग. व्हाई आर दे इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज इसलिए हो रहे हैं बेटा जी क्योंकि अब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है. हर एक नए साइकिल में हमको एक एग बनाना है कुकी की बॉडी में, चाहे इस ओवरी से बने चाहे इस ओवरी से बने. हर ओवरी अपनी अपनी टर्न लेगी, जनवरी में तू बनाएगी तो फरवरी में तू बनाएगी, मार्च में तू बनाएगी तो अप्रैल में तू बनाएगी, ऐसे चलता है. ठीक है, तो अभी मान लो किसी भी ओवरी की टर्न है, अपने को फर्क नहीं पड़ता. पर नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने का मतलब यह है कि नया ओवम या नया एग अब तुमको बनाना पड़ेगा. एग कैसे बनता है देखो बेटा ध्यान से, आई नीड सम स्पेस. एग कैसे बनता है, ओवरी में आओ एक बार,
ये ओवरी है। ओवरी में प्यूबर्टी के टाइम जो फॉलिकल्स मिलती हैं उनको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, याद आया, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स। देखो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक इमेच्योर एग है जो कि प्राइमरी ओसाइट स्टेज में है। दिस इमेच्योर एग इज कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट, याद है बताया था मैंने ओजेनेसिस में, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट कुछ नहीं है, इमेच्योर एग है इस वक्त, इमेच्योर एग हर फॉलिकल में पड़ा हुआ है। मान लो अभी इस फॉलिकल की डेवलपमेंट की बारी है, इस ओवरी में ये फॉलिकल डेवलप होएगा इस बार और यहाँ से ये मैच्योर एग रिलीज होएगा, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो अभी क्या है, इसके ऊपर जाके सबसे पहले FSH एक्ट करता है बेटा। FSH का नाम क्या है, देखो FSH का नाम ही है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। सो फॉलिकल को सबसे पहले स्टिम्युलेट करने के लिए तो FSH ही आएगा ना। मान लो इस फॉलिकल को हमने अब बड़ा करना है, ये प्राइमरी फॉलिकल है इस वक्त। तुम्हें पता है फॉलिकल्स कैसे बड़ी होती है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। जब वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, फुली डेवलप्ड फॉलिकल बन जाता है, तो वहां से ओवम का रिलीज हो जाता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। तो इस बिचारी प्राइमरी फॉलिकल को हमने सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन बनाना है बेसिकली, लेकिन सबसे पहले उसके लिए एक्ट कौन करेगा, FSH। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी ग्रो हो जाएगी, तब जाके इस पे LH एक्ट करने लगेगा। उसके बाद FSH और LH मिलके इसकी ग्रोथ कराने लगेंगे, लेकिन सबसे पहला काम अकेला अकेला थका थका बेचारा खुद ही काम कर रहा है, चल प्राइमरी फॉलिकल बड़ी हो जा, चल बेटा बड़ी हो जा, ये कौन कर रहा है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कर रहा है। LH पहले नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअली में शुरू में सिर्फ एक फॉलिकल पे एक्ट नहीं करता है FSH। FSH को लगता है यार कहीं मैं तेरे को बड़ा करूं, तू आगे एग को तेरे को कुछ खराबी हो जाए, तू एग ना रिलीज कर पाए, तो FSH बड़ी सारी फॉलिकल्स पे जोर लगा देता है शुरू में, ठीक है, 10 15 20 फॉलिकल्स पे जोर लगा देता है, उनको ग्रो कराना शुरू कर देता है। नाउ उन 10 15 20 में से सिर्फ एक ही फाइनली मैच्योर होगी, बाकी सब डीजनरेट हो जाती है, तो वो बेकार है, बेसिकली वेस्टेज है। अगर 10 फॉलिकल्स ने ग्रो करना शुरू किया FSH के इन्फ्लुएंस में, इसने भी शुरू कर दिया, इसने भी शुरू कर दिया, तो इनमें से बाकी सब वेस्ट होंगी, सिर्फ एक ही है जो पूरी बनेगी, सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन बनेगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इनको ग्रो कराने के लिए ही अब फॉलिकल्स नया साइकिल चला है तो नए फॉलिकल्स को ग्रो करना पड़ेगा, इनको ग्रो कराने के लिए ही FSH इंक्रीज हो रहा है बेटा। FSH इंक्रीज नहीं होगा तो फॉलिकल कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। सो FSH इज इंक्रीजिंग एंड LH इज स्लोली इंक्रीजिंग बिकॉज LH भी चाहिए फॉलिकल ग्रो कराने के लिए। सो समझ में आया LH FSH क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज अभी नया फॉलिकल ग्रो कराना है, ओवम रिलीज कराना है। इसका इफेक्ट हमें ओवेरियन फॉलिकल पे देखने के लिए मिलेगा, जिसने डेवलप होना है, जिसने एग रिलीज करना है। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, दिस ओवेरियन फॉलिकल जिसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट होनी है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्राइमरी फॉलिकल, ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा। प्राइमरी फॉलिकल है, दिस प्राइमरी फॉलिकल इस पे एक्ट करेगा FSH, ठीक है। तो ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अभी सेकेंडरी नहीं बनी है, इट विल ग्रो अ लिटिल बिट, ठीक है। अब जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो ये बन जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ दिस विल ग्रो इनटू अ लार्जर फॉलिकल लाइक दिस, लार्जर फॉलिकल लाइक दिस, दिस विल नाउ बी कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। FSH के इन्फ्लुएंस में ये FSH बढ़ रहा था, यहां से FSH बढ़ रहा था, उसके इन्फ्लुएंस में प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बन गई। अच्छा FSH ने तो बस शुरू कराना है, थोड़ी सी जैसे ही बड़ी हुई तो LH भी इसके ऊपर एक्ट करने लग गया। FSH तो कर ही रहा था, LH भी इसके ऊपर एक्ट करने लग गया ताकि ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाए। सो इन LH और FSH इसके माता पिता की तरह है फॉलिकल के, तो अपने माता पिता के इन्फ्लुएंस में आके अब ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है जी। नाउ अब LH FSH और भी बढ़ रहे हैं अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो अब सेकेंडरी फॉलिकल पे और ज़्यादा इफेक्ट, सेकेंडरी फॉलिकल अब आगे जाके और ग्रो कर जाएगी LH FSH के इन्फ्लुएंस में, है ना। नाउ
she will become larger, even larger, like this, more, like this. What has she formed? She has become a tertiary follicle. Let me write that. Secondary follicle se abhi ban gayi hai, tertiary follicle. टर्शरी फॉलिकल बन गई है तो इनके अंदर का ओवम भी ग्रो कर रहा है. देखो यहाँ पे इमेच्योर ओवम था ना, वो इमेच्योर ओवम भी ग्रो कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ओवम मेच्योर होता जा रहा है. ठीक है जी. नाउ इतनी बात समझ में आई है? बोलिए. नहीं नहीं आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा अंकित सिंह, इसमें कम से कम दो क्लासेस लगेंगी बेटा. ओके नाउ अब होता क्या है, फॉलिकल्स जब बड़ी होती हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी से टर्शरी होती है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी हो जाओ. अब होता क्या है कि इनसे एक हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है. प्राइमरी फॉलिकल से कोई हार्मोन नहीं रिलीज होता, प्राइमरी फॉलिकल तो छोटू सी है ना. जब ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हुई तो सेकेंडरी के सेल्स से साइड से एस्ट्रोजन रिलीज होने लगता है. फिर ये टर्शरी में कन्वर्ट हुई तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होने लगता है. सो इनका एस्ट्रोजन रिलीज साथ में ही शुरू हो गया है बेटा. ई लिख रही हूँ सिर्फ ताकि बहुत खचपच नहीं मचे. ठीक है. ई मतलब एस्ट्रोजन, बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज होने लगा इनसे. ठीक है. और ये एस्ट्रोजन आपको यहां पे लेवल देखने को मिलेगा. ठीक है. ये तो बहुत गंद मचने वाला है बेटा यहां पे. थोड़ा और साफ लिखती हूँ, रुको. एस्ट्रोजन थोड़ा छोटा छोटा लिख लिया जाए यहां पे. ठीक है. नाउ देखो बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, देख रहे हो. व्हाई? बिकॉज नाउ दिस सेकेंडरी फॉलिकल एंड दिस टर्शरी फॉलिकल दे हैव स्टार्टेड टू रिलीज लॉट ऑफ एस्ट्रोजन. अब एस्ट्रोजन का बॉडी पे इफेक्ट भी नजर आएगा. ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन बन रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लॉट ऑफ इफेक्ट ऑफ दिस एस्ट्रोजन. सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. दिस एस्ट्रोजन जिसका लेवल अभी तक कम था बहुत, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल से तो रिलीज नहीं हो रहा था ना, this estrogen will start to rise slowly 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 slowly. Why is it rising? Because secondary follicle is releasing lot of estrogen. Then or why? Because tertiary follicle is releasing lot more estrogen. So estrogen starts to rise in the body. Okay, yahan se ye graph upar jana chahiye, mere ko tertiary follicle mitana padega abhi. Theek hai. So estrogen starts to rise in the body. एस्ट्रोजन राइज होने का बहुत सारा आपको अफेक्ट देखने के लिए मिलता है. क्या होता है अफेक्ट, देखिए आगे देखिए. पहली बात, यहां से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है. अभी मेंस्ट्रुएशन बंद हो गई है ना, तो मैं अभी ये डिलीट कर रही हूं मेंस्ट्रुएशन वाली चीज, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन बंद हो चुकी है अभी. अब क्या है, ओवरी की फॉलिकल से बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज होने लगा है ना. ये एस्ट्रोजन जाके एंडोमेट्रियम पे, अच्छा एंडोमेट्रियम टूट चुकी है बुरी तरीके से है ना अभी, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो बाहर निकली थी मेंस्ट्रुएशन में, एंडोमेट्रियम सारी बाहर निकल चुकी है ना. अब मेंस्ट्रुएशन से हम बाहर आए हैं, मेंस्ट्रुएशन खत्म हुई है अभी. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दिस एस्ट्रोजन इट विल गो एंड इट विल स्टिम्युलेट. नो This estrogen will go and it will stimulate the endometrium to grow again. Estrogen जाती है uterus में और कहती है अच्छा endometrium तो टूट गई थी, अच्छा तू menstruation में बाहर निकल गई थी, चल अब दोबारा grow कर ले, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे cell growth शुरू कराती है, mitosis शुरू कराती है. ठीक है. Cell proliferation शुरू कराती है and this endometrium it starts to grow again under the influence of estrogen. बिचारी एंडोमेट्रियम जो टूट के गिर चुकी थी, अब वो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में दोबारा से ग्रो करने लगती है. क्या यही चीज मैं ग्राफ में दिखा लूं, यही चीज ग्राफ में दिखा लूं बेटा जी, बोली. देखिए द यू जो बुरी तरीके से लाइनिंग ब्रेक डाउन हो गई थी, नाउ दिस लाइनिंग विल स्टार्ट टू इंक्रीज. ये एंडोमेट्रियम बेचारी यहां से कमजोर थी, नाउ दिस एंडोमेट्रियम इट स्टार्ट्स टू ग्रो लाइक दिस. एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, देख रहे हो. अब ये कुछ ज़्यादा ही ऊंची चली गई, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी अपने को क्योंकि जगह नहीं है. सो दिस एंडोमेट्रियम इसका थिकनेस ऐसे इंक्रीज हो गया. ओके एंड यहाँ से फॉलिकल्स ग्रो करी जा रही है. पहला अफेक्ट तो एस्ट्रोजन का ये आया. नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट ये टर्शरी फॉलिकल का नाम डिलीट कर रही हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पे चीज़ें बना सकूँ.
मैं दिखाना चाहती हूँ एस्ट्रोजन का राइज. सो दिस एस्ट्रोजन इज गोइंग अप 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 लाइक दिस. ओके दिस अप 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 वेरी अप एंड ड्यू टू दिस दिस एंडोमेट्रियम इज ग्रोइंग. ठीक है दिस इज एंडोमेट्रियम. आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. आज बस ये पहले वाला फेज करेंगे, ये नेक्स्ट फेज अगली क्लास में करेंगे. ठीक है एंडोमेट्रियम. नाउ प्लीज सी कि यहां पे भी इफेक्ट पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोजन का सिर्फ यूट्रस पे इफेक्ट पड़ेगा. नन 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 ना. एस्ट्रोजन इज अ बैड केमिकल. एस्ट्रोजन वो केमिकल है जो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है जाके. जो माँ बाप ने उसको पैदा किया उसी का जाके उसी को जाके चुप चुप तू बुढ़िया बोल मत इस तरीके से करता है. देखो क्या करता है एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन व्हेन इट गेट्स रिलीज्ड इट गोज टू पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है एलएच और एफएसएच. एस्ट्रोजन पिट्यूटरी के ऊपर जाके लग जाता है. देखो कोई भी हार्मोन कैसे एक्ट करता है. पिट्यूटरी के सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं एस्ट्रोजन के, तो एस्ट्रोजन जाके पिट्यूटरी के ऊपर रिसेप्टर पे लग जाता है और पिट्यूटरी से LH और FSH का प्रोडक्शन कम करा देता है. क्या बोला मैंने अभी, एस्ट्रोजन व्हेन इंक्रीजेस इट एक्चुअली गोज टू पिट्यूटरी एंड इट डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ LH एज वेल एज FSH. कैन यू अंडरस्टैंड दैट. ये हम पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे लिख सकती हूँ मैं, इफ आई वॉन्ट टू राइट इट लेट मी राइट इट. आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस. GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से LH FSH रिलीज हो रहा है, LH FSH की वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है. नाउ what this estrogen is doing, this estrogen is going to the pituitary and stopping the production of LH and FSH. ये actually body के लिए बहुत अच्छा है. why? क्योंकि किसी भी hormone का level आपको एक जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए होता. तुम बोलो मैम estrogen तो female hormone है, बहुत बढ़िया बात है, निकलने दो release होने दो. ऐसा नहीं होता है बेटू. हर हार्मोन का लेवल एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए. अगर जरूरत से ज़्यादा होगा तो वो बॉडी में ख़राब ही करेगा. सो एस्ट्रोजन जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अपना नेगेटिव फीडबैक करने लगता है एफएसएच का और एलएच का. तो ये एलएच एफएसएच की प्रोडक्शन को एक्चुअली में गिरा देता है. और तो और ये तो जीएनआरएच को भी नहीं छोड़ता. जीएनआरएच हाइपोथैलेमस भी जाके नेगेटिव फीडबैक करता है कि जीएनआरएच कम होगा तो चलो एलएच एफएसएच कम ही होगा और ही बढ़िया बात है. समझ रहे हो इस तरीके से. यू अंडरस्टैंड दिस हार्मोनल कंट्रोल. प्लीज टेल मी डू यू. ओह थैंक यू सुखमणि कौर. ओके यू अंडरस्टैंड दिस हार्मोनल कंट्रोल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन देयर. कम बैक. ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग लेवल्स एलएच एफएसएच जो बहुत उड़ रहे थे उनका लेवल कम हो जाएगा क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया. एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक कर दी. तो क्या मैं ऐसा बना लूं बच्चों, तुम बुरा तो नहीं मानोगे, दैट दिस FSH इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज लाइक दिस एंड LH आल्सो स्टार्ट्स टू डिक्रीज लाइक दिस. बोथ ऑफ देम स्टार्ट टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक. ओके इतनी बात समझ में आई है तुमको. नाउ इस फेज का नाम क्या देते हैं. मेंस्ट्रुएशन, जहां पे मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा था, 5 दिन में खत्म हो जाता है. नाउ दिस नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड ओवरीज. के अंदर क्या हो रहा है बेटा, फॉलिकल ग्रो कर रही है. ओवरीज के अंदर फॉलिकल की धड़ाधड़ ग्रोथ हो रही है. तो अगर मैं ओवरीज के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करूंगी ना इस फेज की, तो इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज. लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, इट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज. वाई? बिकॉज ओवरीज के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स ग्रो कर रही है. ओ वो वो यू आर नॉट एबल टू सी. आई एम सॉरी, लेट मी राइट दैट अगेन. फॉलिकुलर फेज. ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ फॉलिकल्स आर ग्रोइंग. अगर मैं यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम बड़ी हो रही है इस फेज में, है ना. एंड एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है. तो कैन आई गिव दिस नेम अनदर नेम कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोली
obliterative phase. So इस phase के basically दो नाम हैं, कौन कौन से? फॉलिकुलर फेज, क्योंकि ओवरीज में फॉलिकल डेवलप हो रही है, और प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है. ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे. आई टेल यू व्हाट हैपेंस, हाउ ओव्यूलेशन अकर्स, व्हाट इज लूटियल फेज, व्हाट इज सेक्रेटरी फेज, आई टेल यू एवरीथिंग. प्रेगनेंसी होती है तो कैसे चेंज होता है, एवरीथिंग दैट वी विल स्टडी. ओके, सो फॉर नाउ आई होप इतना आपको समझ में आया है, एंड यू कैन राइट इन द कॉमेंट्स बिलो माई वीडियो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन रियली यू शुड लाइक दिस वीडियो, एंड कोई इम्प्रूवमेंट है तो आप मुझे कंटेंट में उसमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं. अगर कोई इफ़ यू लाइक समथिंग अबाउट दिस वीडियो, ये भी आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं. इसी डिटेल में आप पूरा सिलेबस मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और मैं क्रैश कोर्स करा रही हूँ तो बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे. ठीक है, प्लस को लेने के लिए बेटा जी मैंने आपको प्रोसीजर शुरू में बता दिया है. कोड डालना ज़रूर याद रखिएगा, ऋतु लाइव. जैसे ही आप कोड डालते हैं आपको मेरे क्रैश कोर्स में एंट्री मिलती है. क्रैश कोर्स की तारीख है 30 नवंबर. सो 30 नवंबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. और 30 नवंबर तो क्रैश कोर्स की तैयारी है. कल परसों से ही मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर रही हूँ पढ़ाना. तो अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ना चाहते हैं मुझसे, प्लांट फिजियोलॉजी अलग से पढ़ना चाहते हैं, तो आप आज ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ठीक है, कोड डालना मत भूलिएगा, उसी से ही आपको मेरे नोट्स मिल पाएंगे और इसी से क्रैश कोर्स में एंट्री मिल पाएगी. ओके, एंड आई हैव अ गुड सरप्राइज फॉर यू टुडे. आई हैव अ स्पेशल क्लास, बहुत बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे हैं. सो स्पेशल क्लासेस आर सर्टन प्लस क्लासेस विच आई गिव यू फॉर फ्री. ओके, देर इज़ नो चार्ज फॉर दैट. उसको आने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप प्लस पे जाते हैं, प्लस से नीट एंड एम्स के सेक्शन पे जाते हैं. फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाते, आप वहीं पे नीट एंड एम्स में ऋतु रत्तेवाल सर्च करते हैं मेरा नाम, RITURATTEWAL. ऋतु रत्तेवाल सर्च करने के बाद आप मेरे स्पेशल क्लास में चले जाते हैं. आज मैं स्पेशल क्लास में प्लस टू का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो बेसिकली इस चैप्टर में मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी, पहले बात तो चैप्टर तो पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी कि एक चैप्टर को छोटा कैसे किया जाता है, श्रिंक कैसे किया जाता है, उसको लर्न कैसे करना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं. ठीक है, चैप्टर तो पढ़ाएंगे, साथ में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे. 7:15 पे अभी क्लास है, सो आई विल सी यू देयर. थैंक यू सो मच, बाय बाय.